हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेस वीडियो। तो मैं आपको कहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है आईफोन में शूट करने में, और इससे मैं अभी आईफोन में शूट कर रही हूँ। इसमें इतनी खतरनाक क्लैरिटी आ रखी है ना, और सबसे ज़्यादा मैं मेरे पिछले फ़ोन में मिस कर रही हूँ मेरे फिल्टर्स, क्योंकि उससे हम बहुत ज़्यादा गोरे हो जाते थे और बहुत अच्छा लगता था। और इसमें पूरे भाई एक एक चीज़ क्लियर आ रही है। चलो ठीक है, अच्छी बात है क्लैरिटी। तो क्योंकि नया फ़ोन आया है, ये पहला व्लॉग है जो मैं आईफोन से शूट कर रही हूँ। अभी मैं सीख रही हूँ आईफोन को, इसको मतलब इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, और मैंने कभी मतलब सच में ऐसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने कभी इससे पहले आईफोन यूज़ नहीं किया, अपने किसी फ्रेंड का भी नहीं यूज़ किया। बहुत फ्रेंड्स के ऐसे, नीतू दीदी के पास भी है, मैंने यहाँ तक कि नीतू दीदी का भी कभी यूज़ नहीं किया। उससे कुछ पिक्स वगैरह भी चाहिए होती है तो उसी को बोलती हूँ, वही मुझे भेजती है, मैं कभी खुद से नहीं लेती। तो अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ। आज पूरा दिन मैंने काफ़ी कुछ इसमें सीखा है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह इंस्टॉल किए हैं, तो काफ़ी कुछ सीख रही हूँ। धीरे धीरे सब चीज़ें हो जाएंगी। तो आज मैं सोच रही हूँ दाल बाटी बना लेती हूँ, नया फ़ोन आया इसी खुशी में, तो चलो बनाते हैं दाल बाटी। ले लिया हमने आटा, और इसमें हम डालेंगे अब थोड़ी सी अजवाइन, डाल दी थोड़ी सी अजवाइन, नमक। क्या हुआ, आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? मम्मा चीजी बना रही है ना, इसको ये करना है, ये खोलना है, सारे ग्लास निकालने हैं। इस देखो क्या ये टावर बनाती रहती है, एक ग्लास के ऊपर एक ग्लास को करके। अरे तो मैं वैसे हमेशा सूजी डालती हूँ, क्या सूजी से ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं, ये मुझे मेरी छोटी ननद बाईसा ने आइडिया बताया था। पहले मैं नहीं डालती थी, तो ये हमने थोड़ी सी सूजी ऐड कर ली है। अब हम इसमें घी में तब डालूंगी जब मैं ग्राइंडर में डालूंगी, मैं अपने फूड प्रोसेसर में ही आटा लगाऊंगी। तो मैं मेरी फूड प्रोसेसर में ही आटा लगाऊंगी, क्योंकि हाथ से बहुत मतलब क्या है, हमें बाटी के लिए टाइट आटा लगाना पड़ता है, तो हाथ से इतना बहुत देर लग जाती है, और जब अपने पास फूड प्रोसेसर है तो कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मेरे तो सारा काम फूड प्रोसेसर ही कर देता है, तो उसी में लगाऊंगी। अभी ये सारा आटा फूड प्रोसेसर में डाल देंगे, फिर घी डाल देंगे, मोमन डालते हैं बाटी में, सबको पता होगा, और आटा हमारा विद इन 1 मिनट में लग के तैयार हो जाएगा बिना किसी मेहनत। देखिए बिल्कुल मस्त आटा लग के तैयार हो गया, जैसा हमको चाहिए वैसा ही हम बना लेते हैं बाटी में लोई। ये हमने हमारी बाटी लगा दी है बनने के लिए, और इसको अब ढक देते हैं, फिर बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो बाटी बन रही है, दाल भी मैंने अच्छी तरीके से उबाल ली थी, धोली, अब कुकर में चढ़ा देते हैं दाल बनने के लिए। तो दाल में मैंने क्या क्या डाला, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो सबका ना अपना अपना तरीका होता है दाल बनाने का, तो मैं तो पहले ही मतलब टमाटर और जो हरी मिर्च होती है वो पहले डाल देती हूँ, और मसाले भी, जैसे ये डाल दिया हम हरा धनिया, ठीक है, धनिया पाउडर ये डाल दी हमने, हल्दी, ये गई हमारे लाल मिर्च, और ये गई हमारे नमक, ठीक है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 स्पून घी। अब हम इसको बंद कर देंगे और 3 सीटी लगा लेंगे, क्योंकि चने की दाल है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, आप किस तरीके से बनाते हैं ज़रूर शेयर करना। ओके जी, तो ये इसमें बन रही है दाल, उसमें बन रही है बाटी, और ये परू क्या कर रहा है हमारा, ये देखो ये लेके बैठिए, और इसमें ये बेटा, ये मम्मी आपको ना अभी बनाना सिखाएगी मैट कैसे बनाते हैं। इसने ना ये देखो वहाँ पे क्या हाल मचाया हुआ है, वो सब सही करती हूँ मैं, और इसको मैट बनाना सिखाती हूँ कैसे बनाते हैं, इसको आता नहीं है अभी, ये सारे इनको फेंक रही है इधर से। चलो मम्मा सिखाएगी आपको, चलो दो मम्मा को, दो निकाल निकाल के, ऐसे बेटा ऐसे बनाते हैं इसको, देखो ऐसे। जब आप ABCD सीख जाओगे फिर आप पूरा अच्छे से ABCD और 1 2 3 लगाना, अभी आप ऐसे जोड़ना सीखो। हाँ दो मम्मा को दो, आप निकाल निकाल के मम्मा इसको बना देगी, फिर आप इस पे बैठ के खेलना, ही आपका मैट बन जाएगा, ठीक है, बैठने का। हाँ गुड गर्ल, दो और दो मम्मा को निकाल के दो और। हाँ दो, दो मम्मा को दो, गुड गर्ल। अरे देखो, अरे देखो मम्मा ने पूरा बना दिया, देखो ये बेटा, देखो मम्मा ने पूरा बना दिया। अभी कुकर की सीटी आएगी, इसलिए अभी देखना, डरपोक कि किसी चीज से नहीं डरती, अंधेरे में भी ऐसी घूमती रहती है रात को, बट कुकर की सीटी से पता नहीं इसको क्यों डर लगता है। परी को क्यों डर लगता है कुकर की सीटी से, हुँ?
बेटा, मेरे बेटा की क्या बात हो गई। बच 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 बच, तो बेटा कुकर की सीटी से जो तो इसको मुंह में नहीं लेते, पहले तो मुंह से बाहर निकालो। क्या हो गया? तो कुकर की सीटी चीजी बन रही है ना, उसमें अपन चीजी खाएंगे। नहीं परी, इसको मुंह में नहीं लेते। जब कुछ खाते हैं तब स्पून का यूज करते हैं, ऐसे यूज नहीं करते स्पून का। इसमें खाना बनाओ, लो स्पून से इसमें खाना बनाओ, इसमें रोटी रखो, इसमें बनाओ खाना। ऐसे ये गैस है ना आपकी, इस गैस पे रखो, इस पे गैस पे रखो और अब बनाओ खाना। चीजी बनाओ ऐसे ऐसे, लो लो चीजी बनाओ, चीजी बनाओ। ये दोनों नहीं आएंगे बेटा, इस पे छोटी गैस है आपकी। भाई इसको वापस से लग रहा है। हाँ, तो बेटा डरने की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है डरने की। तो चंदा उसमें चीजी बन रही है, डरने की क्या बात है। बस बस बंद हो गई, बस बंद हो गई, बंद हो। तो हमारी बाटी बन के बिल्कुल रेडी है, आपको दिखाती हूँ। अब अभी ने घी में डिप करेंगे और फिर बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। अभी घी में डाल लेंगे गरम गरम, ताकि घी अच्छी तरीके से चला जाए। हमारी बाटियों में अच्छी तरीके से घी फिल कर दिया, ऊपर से भी डाल दिया है और मस्त रेडी हो गई हैं। अब बस गौतम बना जाए, भूख लग रही है, खाएंगे फटाफट। हमारी दाल का तड़का रेडी हो रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपको जैसे दिख रहा है मैंने बेस पहना हुआ है, और उसका रीज़न ये, आज वैसे संडे, मैं आपको बता दूं, जब आप लोग देखोगे तो आपको पता नहीं चले, तो आज संडे है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं मामूसा के घर पे, क्योंकि जो हमारे नानूसा हैं, आपको जैसे पता ही है श्राद्ध चल रहे हैं, तो नानूसा का आज श्राद्ध है, तो खाना वगैरह है, तो उसी के लिए मम्मी को इन्वाइट किया है। तो क्योंकि बहन बेटियों को भी जिमाते हैं साथ में, तो हम लोग भी जा रहे हैं। मुझे काफ़ी दिन हो गए मामूसा और मामीसा से मिले हुए, तो सब रेडी हो गए हैं। बस गौतम मना लेट कर आता है, अभी वो नहा के निकले हैं, वो रेडी हो जाए फिर हम जाते हैं। तो यहाँ पे पापा जी भी आ गए। एक्चुअली पहले पापा जी नहीं जा रहे थे, बट अब हम सब ने ही बोला कि आप घर पे अकेले क्या करोगे, बोर हो जाओगे, तो आ जाओ। तो फिर पापा जी भी आ गए, और आपको दिख रहा है मम्मी ने चश्मे लगाए हैं, क्योंकि मम्मी को नए चश्मे दिलाए हैं आईज़ वगैरह टेस्ट करा के। अब यहाँ पे ना हमारे घर के पास ही शॉप है, जस्ट 2 मिनट्स मतलब गली के बाहर ही। तो वहाँ पे मतलब मम्मी ना पापा जी के लिए जो पतले वाले टावल होते हैं वाइट कलर के, वो लेने जा रही हैं, क्योंकि पापा जी हमेशा वो रखते हैं और पापा का पुराना हो गया, तो वही नया ले रही है मम्मी। हम लोग कर रहे हैं मम्मी का वेट, और ये पापा जी की और परी की मस्ती चल रही है। पापा जी परी को छेड़ रहे हैं, परी को पोलियो पिला रहे हैं। निकाल दी निकाल दी। हम लोग पहुंच गए मामा जी के घर पे। मौसी भी हमारे साथ आई है, ये मासी हमारी बड़ी मम्मी, मम्मी पापा जी, ये मामा जी। ये हमारे तनु भाई साहब, तो मैंने ले लिया, अब तो मैंने ले लिया, अब तो आए गए। अरे तो मेरे से तो बेटर ही आ रहे हो आप, मेरे से तो बेटर ही आ रहे हैं। सब खाना खा रहे हैं, उसके बाद हम भी नहीं खाना खाएंगे। मम्मी मासी मामी जी, ये हमारे परी खेल रही है। ये अंकुर बना का बाबू है, ये परी दोनों में 2 दिन का ही गैप है बस। पकड़ो 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 पकड़ो। तो हम लोग आ गए थे घर पे, और हमें आए हुए आधा घंटा हो गया। एक्चुअली मैंने परी को सुलाया है पहले, परी और उसके पापा दोनों सो गए अंदर रूम में, और मैंने सोचा बेस पहना हुआ है तो क्यों ना रील बना लेते हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं अब बनाऊँगी 2-3 रील्स, क्योंकि इस आईफोन में एक भी रील नहीं है, और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह सब मैंने इसी में इंस्टॉल कर लिया, तो कुछ तो होना चाहिए अपडेट डालने के लिए।
तो रील्स बना रही हूँ मैं एक दो, उसके बाद चेंज करूँगी। मैं भी थोड़ी देर सोऊंगी क्योंकि बहुत भयंकर नींद आ रही है। वहाँ पे खाना वाना खाया था, पूरी था, हलवा था। मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी सारे लोग आए हुए थे और थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। फिर आईफोन से कर रही थी तो मतलब व्लॉग बना रही थी, वाला फ़ोन मैं यहीं पर रख के गई थी तो सबको ऐसा नहीं लगे कि भाई शो ऑफ कर रही है। तो मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया फ़ोन, थोड़ा बहुत व्लॉग किया था, ज़्यादा व्लॉग नहीं किया। तो रील बना लेते हैं जल्दी से। हे गाइस, तो मैं भी रील्स वगैरह बना के थोड़ी देर सो गई थी और अब बज रहे हैं 5। तो बाप बेटी अभी तक सो ही रहे हैं तो मैं भी नहीं उठा रही हूँ। मेरे बर्तन वगैरह कुछ पड़े हुए हैं तो वो मैं साफ़ कर लेती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ, फिर इनको उठाती हूँ। और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, लाइक करो, कमेंट करो और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।